नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। आज हम नवरात्रि सन 2022 में कब प्रारंभ होगा इसके बारे में वार्ता करेंगे। वार्ता से पहले सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना। नवरात्र के प्रारंभ के साथ हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाता है, नया पंचांग प्रारंभ हो जाता है। तो आज मैं बनारस का नया पंचांग आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सन 2022 में पहला जो नवरात्र पड़ता है वह कब शुरू होगा, कब अष्टमी होगी, कब नवमी होगी, पारण किस डेट पे करना है और अब की बार कितने दिन नवरात्र रहेगा। नवरात्र 9 दिन आपके जीवन में एक बड़े अनुष्ठान की तरह आता है। आप व्रत रखकर अपनी सभी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नवरात्र से एक या दो दिन पहले ही घर की सफाई के साथ साथ आंतरिक सफाई पर भी ध्यान रखना चाहिए। आंतरिक सफाई का तात्पर्य है कि खाने पीने का जो व्यतिक्रम है उसको आप व्यवस्थित करके नवरात्र में अपने मन को साधना शुरू करें। ठंड के मौसम से गर्मी की तरफ आगे बढ़ने वाला यह नवरात्र 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यह नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। एक बड़ा विषय है कि प्रतिपदा कितने बजे तक रहेगी। अगर इसकी बात की जाए तो 2 अप्रैल को प्रतिपदा सूर्योदय काल में पाई जा रही है। दिन शनिवार रहेगा लेकिन प्रतिपदा लगभग 11:30 बजे तक ही रहेगी। कलश स्थापना को लेकर कुछ प्रश्न उठेंगे जिसके बारे में विस्तृत वीडियो हम आपके लिए जरूर लाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रतिपदा के बाद अष्टमी कब रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो अष्टमी की अगर बात की जाए तो पुनः शनिवार को अष्टमी पड़ रही है 9 तारीख को। इस दिन पंचांग में दिया हुआ है महाअष्टमी। देखिए, अष्टमी व्रत को माता गौरी का ही दिन माना जाता है। ऐसे जो नौ दुर्गाएं हैं सब माता गौरी का ही रूप हैं, लेकिन अष्टमी महागौरी का दिन माना जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो 9 दिन का व्रत नहीं रह पाते हैं तो वो प्रतिपदा और अष्टमी को रहते हैं। तो प्रतिपदा हमने बता दी 2 तारीख को है और अष्टमी की बात भी हमने आपको बता दी 9 अप्रैल को है। अब हम बात करते हैं कि नवमी। नवमी श्री राम नवमी जो है वह 10 तारीख को पड़ रही है। अब की बार नवरात्र पूरे 9 दिन है। यह बड़ा सौभाग्य और अच्छे विषय जो लोग 9 दिन का अनुष्ठान रखते हैं, मंत्र जाप आदि रखते हैं, उनको पूरा समय मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो नवरात्र में 1.25 लाख मंत्र जाप करते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भी प्रेरणा देना चाहूँगा कि अगर किसी मंत्र को आप जगाना चाहते हैं, किसी मंत्र पे आप सिद्धि पाना चाहते हैं, तो नवरात्र का जो समय होता है वो बड़ा गोल्डन काल होता है, बड़ा स्वर्णिम काल होता है। तो आप भी पहले से अपनी कुंडली के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार, धन वृद्धि के अनुसार अगर कोई भी मंत्र आप जपना चाहते हैं तो पहले से उसको निश्चित करें और नवरात्र में उस मंत्र को अधिक से अधिक करके हवन करके उसमें सिद्धि प्राप्त करें। अब हम बात करते हैं दशमी, अर्थात जिस दिन पारण होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नवरात्र 9वें दिन पारण कर लेना चाहिए। मित्रों, अगर आप संकल्प में 9 दिन का नवरात्र मानते हैं कि हम 9 दिन व्रत रहेंगे तो आप 9वें दिन व्रत का पारण कैसे कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें दशमी को पारण करें। और पंचांग में भी पारण जो है दशमी दिन सोमवार को साफ साफ लिखा हुआ है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 11 अप्रैल को नवरात्र का पारण होगा। इस काल में आप ब्राह्मण भोजन करा के दान आदि करा कर पारण कर सकते हैं। तो आज हमने आपको नवरात्र सन 2022 में पहला कब प्रारंभ हो रहा है इसके बारे में बताए, प्रतिपदा, अष्टमी, नवमी और दसवीं जिस दिन आपको पारण है इसके बारे में बताए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे कलश स्थापन, कलश
को कैसे स्थापित किया जाए, ये तमाम चीज़ों पे हम वीडियो लाएंगे। और जो लोग अनुष्ठान करना चाहते हैं, कोई मंत्र आदि करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बस उनको एक अच्छे मंत्र का चुनाव करना चाहिए कि जो उनको सब कुछ प्रदान करने वाला हो। मित्रों, जिनको कुंडली दिखानी हो, अपने वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखनी हो, वो लोग हमारे चैनल के माध्यम से दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं, अपना समय कुंडली क्लास या वास्तु के लिए निश्चित कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, श्रद्धे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।